भाई कहाँ हो यार, कब से फोन कर रहा हूँ आपको। यार मैं एकेडमी अवार्ड्स में आया हुआ हूँ। ये देख मुझे ऑस्कर मिला है। ये लोटा है, मजाक नहीं करो यार। देखो बता दो कहाँ पे हो। इरशाद किया है, हाथ में लोटा नीचे नलका, होने आया हूँ मैं हल्का। क्या मतलब? अबे जाहिल, लेटरिन में हूँ। छी, वॉशरूम में क्यों रिसीव कर ली कॉल? क्यों, तुझे बदबू आ रही है? नहीं, मेरा मतलब है कि आप बाहर आ जाएं, फिर आप बाहर आके मुझे कॉल कर लें। अबे नहीं, तू होल्ड कर एक मिनट, बस फाइनल टच चल रहा है। बस एक सेकंड होल्ड कर, मैं तुझसे बात करता हूँ। अब बता, हमारी क्लास के जो सर है ना, वो सबके पेरेंट्स के साथ है ना ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं। हाँ तो करने देना, अच्छा है ना, चोरी चकारी तो नहीं कर रहे, मीटिंग ही कर रहे ना। करने भाई, एक रिक्वेस्ट ये है आपसे, क्या आप एक दिन के लिए मेरे अब्बू बन जाओगे? नहीं, ऐसी मनहूस औलाद मुझे नहीं चाहिए भाई, सिर्फ एक दिन की बात है, प्लीज़ बन जाओ ना। वैसे बाप बनने का तो मुझे बचपन से ही शौक है, तो बन के चेक कर लो ना आप एक दफ़ा। चल ठीक है, ट्राई करते हैं। फिक्स 2 बजे भाई ऑनलाइन हो जाना और ज्वाइन कर लेना मीटिंग। मैं लिंक आपको अभी सेंड कर रहा हूँ। अरे कोई मसला नहीं है, बेफिक्र हो जाओ बेटा, बेफिक्र। चलो ठीक है, ओके, बेफिक्र हो जाओ। अरे भाई कहाँ रह गए तुम्हारे अब्बू? सर बस आते ही होंगे, रास्ते में होंगे सर। टाइम नहीं है बेटा, जल्दी बुलाओ। जी सर। भाई जल्दी आ जाओ यार, कहाँ पे हो, जल्दी आओ। ओके ओके, जल्दी आ जाओ। जी सर बस आ रहे हैं सर, 2 मिनट में आ रहे हैं सर। ये तुम अपने अब्बू को भाई क्यों कह रहे थे? सर मैं अपने अब्बू का नाम लेता हुआ अच्छा लगूंगा क्या? आ गए सर, आ गए। हर काम में तू ये मौत पड़ जाती है भाई, इतनी जल्दी करता है हर काम में, शैतान का नाइब कासी देखा तू? भाई मतलब अब्बू सर। अबे तू पहले डिसाइड कर ले बे, क्या बनना है, भाई बनना है, अब्बा बनना है या सर बनूं? अब्बू सर सामने बैठे हैं सर। जी सर, क्या हाल है सर? ठीक है सर, भाभी वाभी ठीक है हमारी, और ससुराल में सब वैसा ही है या कोई इज्जत विज्जत भी बनी कोई? लगता है फर्स्ट टाइम पीटीएम अटेंड कर रहे हैं आप। ये वालिद भी तो फर्स्ट टाइम ही बनाऊँ है, ये मेरा मतलब मेरा पहला बेटा है ना, ये इकलौता है ये मेरा है, बस इसके 2 छोटे भाई हैं। अच्छा खैर, मुझे आपके बच्चे की पढ़ाई के सिलसिले में थोड़ी बात करनी थी। आप आराम से बात कर लो, फिर मुझे कॉल कर लेना, इसी को जल्दी लगती है यार हर चीज़ की। आपसे ही बात करनी है अब्बू। मुझसे करनी है? जी जी, बिस्मिल्ला करो। ये जो आपका बेटा है ये थोड़ा वीक है। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये बात सिर्फ आपने नहीं बोली, ये बात मैं इसको 10 दफ़ा बोलती हूँ कि भाई किसी अच्छे हकीम को दिखाया जाए, अपना इलाज करा ले यार, बाद में बहुत परेशानी होती है, बूढ़ा होगा जब परेशानी होगी ना चलने फिरने में बहुत ही। भाई अभी मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं जो भी खाता हूँ वो ऐसे टिज निकल जाता है। हाँ तो बेटा तेरा मैदा ख़राब है ना, असल में तेरा मैदा जो है वो तेरा पेट तेरी फुप्पो पे गया है, उसके भी कोई चीज़ नहीं टिकती पेट में। जनाब मेरा मतलब ये था कि ये जो है ये पढ़ाई में वीक है, इसको सवालों के जवाब नहीं आते। मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता क्योंकि मेरा बेटा ऐसा है ही नहीं सर, आप भले अपनी अम्मी की कसम खा लो, मैं नहीं मानूंगा। आप ये बात इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं? सर क्योंकि मेरा बेटा तो जवाब देने में मास्टर है सर, कल की बात बता रहा हूँ आपको, कल मैंने उसको बोला मेरा मोबाइल तो चार्ज पे लगा दे, साफ जवाब दे दिया मैं नहीं लगा रहा। वैसे जनाब आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर मैंने डबल मैट्रिक किया हुआ है। डबल मैट्रिक? एक दफ़ा फेल हो गया था ना तो दोबारा रिश्वत दे के पास करवाया था। अच्छा चलें खैर, दूसरी बात ये है। नहीं सर, चौथी हो गई ना, पहली बात आपने फर्स्ट टाइम पीटीएम पूछी, दूसरी बात आपने मेरे बच्चे की वीकनेस पूछी, तीसरी बात आपने मेरी क्वालिफिकेशन पूछी, अभी चौथी हो गई ना ये। सर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, बच्चों को कैसे पढ़ाओगे आप?
जी शायद तीसरी। तो बात यह है कि जब क्लास में लाइट चली जाती है तो ये कुत्ते बिल्लियों की आवाज़ें निकालता है। सर ये तो बड़ा टैलेंट हुआ ना सर, मेरा बेटा तो टैलेंटेड है, शी इज़ वेरी टैलेंटेड, जानवरों की मिमिक्री करता है यार। आप अजीब बात कर रहे हैं, ये कैसा टैलेंट हुआ भाई? नहीं सर ये क्या बात हुई, मतलब कि कैसा टैलेंट हुआ सर, ये तो आपने वही बात कर दी, अमीरों के बच्चे करें तो स्ट्रगल, हमारे बच्चे करें तो ख्वारी। आप निकाल सकते हो ऐसा है, आप निकाल सकते हो? हाँ निकाल तो सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते। अच्छा निकालना। वाह वाह देख ले बेटा, शागिर्द कितना भी बड़ा हो जाए अबे उस्ताद से आगे कभी नहीं निकल सकता। तुम अपने उस्ताद को ही ओवरटेक करने की सोच रहे हो? जी अब्बू सही कह रहे हो आप, मुझसे नहीं निकलती ऐसी। तो बेटा ये आवाज़ ऐसी बना थोड़ी रहे, कोई तो नेचुरल है। क्या मतलब है आप? तो मेरा मतलब है कि जो कोई टैलेंटेड चीज़ है वो नेचुरल चीज़ें होती ना सर। छोड़ो इन बातों को सर, जल्दी पूछो जो पूछना है सर, फिर मुझे काम पे जाना है कब्रिस्तान सर। काम पे? सर मैं कब्रिस्तान में पानी बेचता हूँ, जो छोटा डब्बा है वो 20 का है, आधा गैलन 30 का है, फुल गैलन जो है वो 50 का लगा दूँगा। क्या कह रहे हो? सर मेरा नंबर ले लो, अपने बच्चों के पास सेव करा दो, कल कला का आप मर गए तो आपके बच्चों को 40 का पूरा गैलन लगा दूँगा, और इतना मैं कर सकता हूँ, उससे कम नहीं कर सकता सर, मेरे बारे में नहीं है सर। आप पागल हो क्या? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह सर। बस आखिरी बात। आखिरी बात क्यों? ऑफर इतनी अच्छी लग गई क्या सर आपको? अभी से ही मर रहे हो? आपका बच्चा भी आपकी तरह ही है, एक तो खुद नहीं पढ़ता, चलो नहीं पढ़ता ठीक है इसका मसला है, लेकिन क्लास के दूसरे बच्चों के भी माइंड ख़राब करता है ये। क्यों भाई ऐसी चीज़ें क्यों दिखाता तू सबको? ये सबको कहता फिरता है कि यहाँ पढ़ने में, हमारी यूनिवर्सिटी का कहता है कि यहाँ पढ़ने में तुम जितना पैसा लगा रहे हो इतने में तुम अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते। सर ये माइंड ख़राब नहीं कर रहा, ये आपका बिजनेस ख़राब कर रहा है, इसीलिए आपको तकलीफ़ हो रही है। इस बात का क्या मतलब है? बोला राम पाई चल रही सर आपकी यूनिवर्सिटी में, मेरे को पता है बच्चों को बिजनेस पढ़ाने के चक्कर में उन्हीं के साथ बिजनेस कर रहे हो लाखों रुपए का है फुला राम पाई। सर देखो मेरा मशवरा भाई वाला आपको, क्या आप सेमेस्टर के नाम पे जोड़ के ना अल्लाह के नाम पे मांगना शुरू कर दो सर, से ज़्यादा ही मिल जाएंगे आपको यकीनन। देखो अल्लाह सबको रिज़्क दे रहा, आपको भी देगा है। यार पुद्दू भाई ये क्या कर दिया यार, सर नाराज़ हो गए तो फेल कर देंगे खामखा मुझे। बेटा देख यूनिवर्सिटी में पास और फेल होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है तो ज़िंदगी में पास और फेल होने से पड़ता है। और तू जितना ध्यान बिजनेस पढ़ने पे दे रहा है ना उतना बिजनेस करने पे दे दे बेटा, बहुत कमी हो जाएगा अभी। और अगर तेरे को बिजनेस के आइडिया चाहिए मेरे पास आया, वैसे तो मैं फ्री हूँ मगर क्या करूँ तेरे लिए टाइम निकाल लूँगा थोड़ा बहुत। चलो ठीक है शाम में आ रहा हूँ फिर आपके घर, और आते हुए ना कुछ खाने के लिए लेता हूँ आइयो, क्योंकि मेहमान तो अपना रिस्क साथ लाता है ना। वैसे भी अम्मी ने पैसे दिए हैं मुझे फ़कीर को देने के दिए हैं, समोसे लेता हुआ आ जाऊँगा, एक ही बात है कोई मसला नहीं है। चल ठीक है ओके।